आज मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आए हुए हैं अपने ग्राम नंगला में, जो मोहम्मदपुर देवल ब्लॉक में पड़ता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस बिजनौर ज़िले में और हमारे क्षेत्रीय छोटे छोटे इन गाँव में बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं जो लगभग 500 वर्ष 100 200 वर्ष पुरानी है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बालावाली में एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ पुल है, जिसे ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमारे इस गांव नंगला महेश्वरी में भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ एक स्तंभ है, जिससे वो पहले सर्वे किया करते थे। तो क्या है इसका इतिहास, आखिर क्यों इसी स्थान को चुना उन अंग्रेज़ों ने ये स्तंभ बनाने के लिए, तो आइए ये सारी जानकारी आज हम यहाँ पर, हमारे साथ यहाँ के कुछ संभ्रांत ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ के पटवारी जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें अपना समय दिया। तो आइए पहले हम सभी का परिचय लेते हैं और उसके बाद यहाँ की जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए आप अपना। विपिन कुमार राजपूत जी। सर आप भी दीजिए अपना परिचय। सुभाष चंद जी। मेरा नाम हर्ष तोमर है, मैं इस क्षेत्र ग्राम अलीपुर नंगला महेश्वरी का पटवारी हूँ। मेरा नाम मांगेराम जी। तो देखिए हमारे साथ सभी बुजुर्ग ग्रामीण हैं, क्योंकि प्राचीन चीज़ों के बारे में जो है बुजुर्गों को ज़्यादा पता रहता है। तो आइए पता करते हैं कि कितना प्राचीन है स्तंभ और क्यों आखिर यहाँ पर ये स्तंभ बनाया गया। तो सर बताइए कि ये स्तंभ कितना पुराना होगा लगभग। ये जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि उनके सामने भी ऐसा ही खड़ा था। लगभग 200 साल तक की जानकारी है, ये 200 साल से भी पुराना है। और ये स्तंभ पूरे उत्तर प्रदेश में 4 हैं, ऐसी जानकारी मिली है जी। तो सर अच्छा, तो क्यों बनाए होंगे ये, क्या कारण है इसका? इसका सर्वे करने जब लोग आते थे उनसे जानकारी हुई कि इसके ऊपर चढ़कर वो सर्वे करते थे और बताते थे कि बहुत दूर तक दूरबीन से हम सर्वे करते हैं। अच्छा, तो कब तक आए यहाँ पर सर्वे करने लोग? बस 40 साल पहला तो हमें भी याद है। अच्छा, आपके सामने आए हैं। हाँ, आपके सामने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर चढ़कर दूरबीन से वो देखते थे। जैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो शायद अंग्रेजों ने यहाँ से सब में नज़र रखने के लिए ये स्तंभ बनवाए थे। अभी हम आपको स्तंभ पास से दिखाएंगे। और कहा जाता है कि यहाँ से चढ़कर जब दूरबीन से देखते थे तो गंगा तक का नज़ारा दिखाई दे जाता था। अच्छा सर, ऐसी क्या खास बात रही होगी यहाँ पर कि ये स्तंभ यहाँ पर ही बनाया गया, इस गांव को चुना गया इसके लिए? ये जमीन, हमारे गांव की जमीन जो है सबसे ऊंचाई पर है जी, शायद इसी वजह से इसको चयनित किया गया हो। अच्छा, ये गांव सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है। अच्छा, ये गांव सबसे ऊंची जगह। हाँ जी। तो देखिए ये गांव सबसे ऊंची जगह पर है, इसलिए ये स्तंभ यहीं पर बनाया गया। और अच्छा, ऐसा कहते हैं कि दूरबीन से चढ़ के इससे पहले गंगा जी तक दिख जाती थी, ऐसा? ये तो नहीं पता, वो लोग कुछ बताते नहीं थे, सर्वे करते थे बस। अच्छा अच्छा, यहाँ पर चढ़कर वो दूरबीन से देखते थे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो देखिए एक बहुत ही प्राचीन चीज़ हमारे ग्राम नंगला महेश्वरी में है और ये 200 वर्ष पुरानी है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। आइए इसे हम आपको पास से दिखाते हैं। पहले बुजुर्ग और हमारे साथ हैं, आइए पहले इनका परिचय लेते हैं और देखते हैं ये कितना जानते हैं इसके बारे में। तो सर सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा, तो नरेश जी आप क्या जानते हैं इस स्तंभ के बारे में? इसके 15 साल पहले यहाँ चेकअप करने के लिए आए करते थे, इसको मशीन रखे थे ऊपर, एक नीचे रखे थे और उसे दूरबीन से देखा करते थे। अच्छा, तो शायद हो सके एक अट्टा हल्दौर में भी है। अच्छा, इसका मिलान उससे करते हो, ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, और ये किरतपुर की साइड को भी देखते थे। अच्छा अच्छा, 15 साल से कोई यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, 15 साल पहले तक आते थे। जी हाँ जी। तो देखिए ये क्योंकि प्राचीन धरोहर है और ये कह रहे हैं शायद मिलान करने आते होंगे, और चाहे इसका कोई अब इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है क्योंकि सर्वे के और भी अधिक साधन विकसित हो गए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक हमारी प्राचीन धरोहर है और इसलिए इनकी देखभाल होते ही रहना चाहिए। जैसा हमें बताया है कि 200 वर्ष पुराना ये स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। ज्यादा होगा शायद, आज तक किसी बुजुर्ग ने ये नहीं बताया कि ये हमारे सामने की चीज है। अच्छा, किसी ने नहीं बताया, ये कह देते थे कि पहला ही है। इसके अंदर जो सीमेंट लगा है, इसके साथ की बिल्डिंगें गल गई, इसकी कोई टूट फूट नहीं हुई, तल्ले का चौथरा था। एक बार हमने प्रधान से भी कहा कि भाई इसकी जो हो तुम रास्ता तार दो, और यहाँ कुछ लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जी जी जी। अब प्रसाद चढ़ाने की जगह नहीं है, चौड़ता बहुत ही है, अब ये थोड़ी सी घिरती चली आ रही है, तो ये जगह इतनी जरूर छोड़ दी है कि हो सको दोबारा से जा छोड़ लगती बन रास्ता है। अच्छा, रास्ता है। और इसका पुस्ता बन जा, इस पर सीसी डल जा। जी, एक बार
हमने जिक्र भी करा था शायद हरि प्रकाश जी से, तो उन्होंने कहा भी था थाने उने में भाई ऐसा ऐसा है वो भी प्रधान से, तो कह रहे थे कि बनवा देंगे। वो कार्यकाल खत्म हो चुका, उससे पहले किसान प्रधान जी थे उनसे भी कहा था जी। तो देखिए ये क्योंकि प्राचीन चीज है और कुछ लोग इसे पूजा भी करते हैं, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर रास्ता छोड़ा जाना चाहिए। और ये बता रहे हैं, जैसे हम भी देख सकते हैं कि इसका सीमेंट बिल्कुल भी टूटा नहीं है, ये चाहते हैं कि जो इसमें थोड़ी सी टूट फूट हो गई है उसे भी नवीनीकरण उसका करा दिया जाए। और ये ग्रामीणों की मांग है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक प्राचीन स्थल है तो इसकी देखभाल होनी चाहिए। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस स्तंभ का नवीनीकरण होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे गांव की पहचान है जी। और इस पहचान को बरकरार रखने के लिए इसके लिए एक सीसी बननी चाहिए और प्रसाद चढ़ाने का स्थान दोबारा से ठीक होना चाहिए। ये मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए प्रशासन से ये प्रार्थना है कि ये जो हमारे प्राचीन स्थल बने हुए हैं उनकी पूर्ण रूप से देखभाल होनी चाहिए और लगातार उनका नवीनीकरण भी होना चाहिए, चाहे वो एक छोटे से ग्राम में ही स्थित हो। तो आइए अब आपको पास से हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा चिना हुआ है और लगभग इसे 200 वर्ष से भी पूर्व का बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये भैया हमारे साथ खड़े हैं जिन्हें काफ़ी जानकारी इसकी। तो अच्छा, जैसे आप इतना पुराना बता रहे हो कि ये बहुत प्राचीन है, तो जैसे इस पर सीमेंट वगैरह तो कहीं से इसका उतरा नहीं है, तो क्या इस पर लिपाई बीच में इसका नवीनीकरण कराया गया? मेरी 52 साल की उम्र आ गई जी, तो मैंने अभी तक इस पर किसी पुताई नहीं देखी, ना ही लिपाई होते देखा। मेरी याद से पहले अगर किसी ने करा दी हो तो करा दियो, 52 साल का तो मुझे वो है। अच्छा, और उससे पहले जो यहीं चौड़ता ये चबूतरा नीचे और बंधा हुआ था ये जी जी जी, अब ये टूटता चला जा रहा जी। बस देख लो आप ही, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब अनजाने में हो जी। एक ऐसी चीज बढ़िया ठुकी हुई है, हमने ये सुना कि एक हल्दौर में है, एक अट्टाई है। अच्छा, उस पर भी प्रसाद चढ़ता है, यहाँ भी प्रसाद चढ़ता, रास्ता न होने की वजह से परेशानी सी रहती जी जी जी। तो देखिए ये इतना प्राचीन है कि 200-300 वर्ष पुराना है, लेकिन इसमें आज तक दोबारा लिपाई नहीं की गई है। ये भी सीमेंट भी पता नहीं कौन सा लगा हुआ है कह रहे हैं भैया, तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी लगभग? ज्यादा 16 लगा लो आप, 16 जी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे भरान होता चला जा रहा है। हम जैसे सभी जानते हैं पहले निचला इलाका था सारा, तो उस समय इसकी ऊंचाई कितनी होगी पता नहीं, लेकिन आज भी इसकी लगभग 16-17 फीट ऊंचाई है। तो आज हमने आपको इस स्थान के बारे में बताया, और मैं आपको एक बार इस वीडियो में ये जरूर कहना चाहूँगी दोस्तों, जो हमारे ये प्राचीन स्थल है इनकी कोई देखभाल ना हो पाने के कारण हमारे ग्रामीण समाज में ये दब गए हैं, छुप गए हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसे चीज़ों को समाज के सामने ला सकें, और इस वीडियो में भी हमारा प्रयास यही रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल बिजनौर वाइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।